Go. भ्रष्ट लेखपाल तथा नायब तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। स्थान तृणमूल तक अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखने का किया संकल्प। तो आइए देखते हैं सुल्तानपुर से राहुल यादव की खास रिपोर्ट। तहसील के बार एसोसिएशन जयसिंहपुर का मामला, जहां पर अधिवक्ताओं ने लेखपाल सुरेंद्र शुक्ला, नायब तहसीलदार संध्या यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। उक्त लेखपाल, नायब तहसीलदार के स्थानांतरण होने का तक हड़ताल जारी रखने तथा न्यायिक कार्य से विरत रहने का संकल्प लिया गया। अधिवक्ताओं के अनुसार कल दिनांक 21 जुलाई को नायब तहसीलदार कोर्ट पर अधिवक्ताओं के बीच अपनी बातचीत के दौरान लेखपाल सुरेंद्र शुक्ला पर बार एसोसिएशन जयसिंहपुर के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए चुप रहने को कहा, जो अधिवक्ताओं को नागवारा लगी। उनका कहना है कि कोर्ट पर अधिवक्ताओं के बीच आपसी बहस के बीच में तहसील के किसी भी कर्मचारियों को बोलने की क्या आवश्यकता है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उक्त लेखपाल द्वारा बदसलूकी करते हुए समय नायब तहसीलदार संध्या यादव का मुस्कुराना निंदनीय है, जिससे अधिवक्तागण आहत हुए हैं और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार पर देर तक कोर्ट चलाने का भी आरोप लगाया है। इस विषय पर जब नायब तहसीलदार संध्या यादव से फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इस मौके पर जयसिंहपुर तहसील के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। सर, आज आप लोग तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इस तहसील में, यह उत्तर प्रदेश की नंबर एक की तहसील है, यहां पर की नंबर एक का भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है, कोई ऐसा पटल नहीं है जिस पर बिना पैसे का कोई कार्य न किया जाए, इसलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल नायब तहसीलदार महोदय के पास हमारे कुछ अधिवक्ता मौके की दरखास्त लेकर गए कि इसमें जो है लिखित बहस के लिए पत्रावली लगी हुई है। नायब तहसीलदार ने उस पत्रावली में लिखा हुआ था कि दिनांक 21/7/2022 तक लिखित बहस प्रस्तुत करें, उसके बाद तब आदेश पारित होगा। 21/7/2022 को 10:30 बजे अधिवक्तागण वहां मौके पर प्रार्थना पत्र और वकालतनामा लेकर पहुंचे। नायब तहसीलदार ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। फाइल मांगी जाने लगी, फाइल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फाइल मेरे पास नहीं है। शाम 4 बजे तक अधिवक्ता लोग फाइल मांगने लगे। इसी बीच नायब तहसीलदार महोदय ने अपने चहेते लेखपाल सुरेंद्र शुक्ला, जिससे उन्होंने उसी फाइल में पैसा प्राप्त किया है 50,000 रुपए, उसको और दो अपने अन्य गुर्गों को बुलाकर अधिवक्ताओं से मारपीट करने के लिए उकसाया, जिससे अधिवक्ता बंद काफी नाराज है। और जब तक नायब तहसीलदार महोदय और उस सुरेंद्र लेखपाल का स्थानांतरण इस तहसील से नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग नायब कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। नायब तहसीलदार का नाम क्या है? नायब तहसीलदार कौन है? नायब तहसीलदार संध्या यादव जी हैं, जो कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में यहीं पर आई हुई हैं। आप फाइल मंगा कर देख लीजिए, किया जाता है, उनको नहीं लिखना आता है। काफी बड़ी की मात्रा लगाकर उन्होंने लिखा है फाइल को। आज तक वो ऑर्डर शीट अपने हाथ से नहीं लिखती है, संबंधित पेशकार से ऑर्डर शीट लिखाई जाती है। यह बहुत ही निंदनीय, और इस तरीके से नाबालिग कोर्ट का कार्य किया जाएगा, यह हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे जनता भी त्रस्त है, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जनता को न्याय दिलाने के लिए सुगमता पूर्वक वहां पर लगे रहते हैं, जिससे हम लोग काफी आहत हैं, इसीलिए यह हड़ताल की गई। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आप सब अधिवक्ता बंधु, आगे हम लोग नायब तहसीलदार महोदय का स्थानांतरण और उस तहसील का लेखपाल जो सुरेंद्र शुक्ला क्षेत्र 88 और मयूर रंजीत का है, जब तक उसका निलंबन नहीं हो जाता है, इस तहसील का उसको वापस नहीं भेजा जाता है, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह ऐसा भ्रष्ट लेखपाल है कि जहाँ भी ये जिस तहसील में रहा है उस तहसील में विवाद ही विवाद उत्पन्न करता है और जनता से शोषण करता है। मौजूदा समय में वहाँ के ग्राम प्रधान मयूर रंजीत के प्रधान अजय कुमार सिंह एडवोकेट